हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्शित। वेलकम टू अर्शन मिस्टी व्लॉग्स। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आपने ओरियो बिस्किट जरूर खाया होगा, लेकिन ओरियो आइसक्रीम ने मींस ओरियो कुल्फी नहीं खाया होगा। तो आज हम दिखाने वाले हैं कि ओरियो कुल्फी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं आइसक्रीम स्टिक, 3 ओरियो पैकेट्स, फ्रेश मिल्क, और जो हम लास्ट टाइम डीमार्ट गए थे उससे हमने ये कुल्फी मेकर लिया, और कट करने के लिए सीजर। तो सबसे पहले हम इसको मिक्सर में डाल के क्रश कर देंगे और ये कुल्फी मेकर में डाल देंगे। बाद में उसके ऊपर मिल्क डालेंगे, फ्रेश मिल्क, और उसको उसके ऊपर ऐसा आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। बाद में हम 4 या 5 घंटे फ्रीजर में रखेंगे तो हमारी ओरियो कुल्फी तैयार हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। अभी हम इसको बाउल में डालेंगे और मिक्सर से ग्राइंड करेंगे। इसको निकालते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 बहुत सारे बिस्किट्स निकलते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ओरियो बिस्किट्स को यहाँ बाउल में डाल दिया है। अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी ओरियो बिस्किट को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया, पाउडर कर लिया। अभी हम कुल्फी मेकर में डालेंगे, उसके ऊपर मिल्क डालेंगे और उसको। तो फ्रेंड्स, अभी हम कुल्फी मेकर में इसको डालेंगे, तो देखते हैं कितने स्पून जाते हैं इसमें। 1, 2 और 3 मीन्स हाफ जाएगा। तो इतना आपको डालना है, थोड़ा और डालते हैं, हाफ इतना डाल के हम इसके ऊपर मिल्क डालेंगे थोड़ा। अभी मिष्टी भी आइस ओरियो खा रही है और मिष्टी बहुत ही हैप्पी है। तो हमने 2 कुल्फी मेकर लिए, इसमें मिष्टी का बनेगा, इसमें मेरा बनेगा। हम इसमें भी अभी ओरियो पाउडर डाल देते हैं। अभी इसमें भी 2.5 ही ज़्यादा लगता है। 1, 2, 3.5 थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी हम इसमें मिल्क डालेंगे। तो ये मैंने फ्रेश मिल्क लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा स्पून से। तो फ्रेंड्स, हम अभी इसमें भी मिल्क डालेंगे। हमको धीरे धीरे डालना है, क्योंकि हमको मिल्क सब जगह जाना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। तो हम इसको धीरे धीरे डालेंगे। तो ये 1 स्पून, ये देखो थोड़ा डालना है, 1 स्पून, ये देखो अभी ये सब पूरा जाना चाहिए, इसको हम जाने देंगे। अभी हम इसमें मिल्क डालेंगे थोड़ा। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें मिल्क डाल रहे हैं। तो अभी इसे डाल देते हैं इसमें मिल्क। तो हम ये अभी मिल्क डाल दिया, अभी हम इसमें तो फ्रेंड्स, अभी मैंने मिल्क डाला तो ये कम हो रहा है, तो हम इसके ऊपर और मिल्क डालेंगे थोड़ा। मिल्क सॉरी पाउडर। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें मिल्क और पाउडर भी डाल दिया। अभी हम इसमें आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। तो ये 1, 2 फ्रीजर में रखेंगे और सीधा मिलते 5 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने रख दिया है फ्रीजर में कुल्फी को, तो अभी हम सीधे मिलेंगे 5 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स, हमारी कुल्फी रेडी हो गई है। जब हमने 5 घंटे बाद चेक किया था तो अच्छे से बने नहीं थे, तो हमने डाला और एक बार, और 12 घंटे हो गए तभी ये बनी है। और अभी हम इसको निकालेंगे, ये हार्ड है तो ये निकल रही नहीं है। तो हम इसके ऊपर इसके नीचे पानी डालेंगे और इसको निकालेंगे। और टेस्ट बनाने के लिए हमने हर्षी सिरप भी लिया, उसके ऊपर डालेंगे हम। तो चलो डालते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसको डाला था, ये निकल गया है, ये देखो ऐसे घूम रहा है। अरे ये देखो, अब हम इसको भी डालेंगे पानी में और निकालते हैं। ये देखो ऐसा करना है हमको, और ऐसा थोड़ा गैप हो गया ना तो हमको निकाल के उसको निकालना है। अब ये देखो ये भी निकलने लगा है, अब इसको हम इसको निकाल देंगे। आराम से निकालना पड़ेगा नहीं तो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे अभी कुल्फी रेडी हो गई है, ये कुछ इस तरीके दिखती है। अब एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा हर्शी सिरप डालेंगे। अभी गुल्फी के ऊपर हर्षी सिरप डाल दिया, अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को जरूर शेयर करो। बाय, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।